हेलो गेमर्स एंड वेलकम वंस अगेन टू वर्डी बियास गेमिंग। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। तो आज का गेम जो होने वाला है बहुत ही तगड़ा होने वाला है। लास्ट तक अगर एपिसोड आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके उसको देखना, वो भी बहुत तगड़ा था। उसमें हमने एक डायनो पकड़ा था और उस वाले एपिसोड में एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि प्लीज़ आर्क का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ा लो। तो मैंने रिसर्च किया उसके बारे में, तो यस ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्योंकि देखो डिफ़िकल्टी बढ़ाने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के डायनो आते हैं और हमें ज़्यादा लेवल के डाइनो मिलेंगे। अगर ज़्यादा लेवल के डाइनो होते हैं तो उनका उनके जो स्पेक्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने डिफ़िकल्टी यहाँ पे बढ़ा ली है, ठीक है। डाइनो डैमेज हम नहीं बढ़ाएंगे और कुछ नहीं बढ़ाएंगे अभी के लिए, ठीक है। और मतलब जैसे जैसे हमें तुम लोग बताते जाओगे मुझे कि क्या क्या बढ़ाना है, मुझे मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या क्या होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, पता नहीं यार क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं भी पढ़ूंगा कि कहाँ से मतलब क्या क्या किया जाता है और क्या ये सब क्या होता है, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। बस ये देखा है कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने से क्या होता है, तो डाइनो के स्पेक्स बढ़ जाते हैं। हाँ, थोड़ा गेम जो होता है हार्ड बन जाता है लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो यार ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, गेम को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो आ चुके हैं हम आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड के वर्ल्ड में और यह है हमारा सिग्मा मेल जिसकी दाढ़ी पता नहीं कैसे बढ़ चुकी है। मैंने इसमें दाढ़ी नहीं बढ़ाई थी यार, छोड़ो पता नहीं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आज मैं बता देता हूँ कि क्या करने वाले हैं हम। हम ये पास वाला जो अपना ये तुमको दिख रहा है ना टावर, पता नहीं बादलों के बीच में छुप गया है, ठीक है। तो ये वाला जो टावर है इस पर हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करने वाले हैं कि एक फ्लायर पकड़ेंगे, एक पक्षी होता है यहाँ पर टरानोडॉन, ये वाला नहीं है, उधर कहीं होगा, ठीक है। टरानोडॉन पकड़ेंगे एक और फिर उस पर बैठ के उधर जाएंगे, क्योंकि ऐसे जाना खतरों से खाली नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूर होता है और इसको भी कभी पकड़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बेरीज कलेक्ट करने के लिए। तो ठीक है, ये वाला काम करेंगे हम। और उससे भी पहले हमें क्या करना है कि बहुत सारे रिसोर्स जुटाने पड़ेंगे, जैसे कि हमें मोटार पिस्टल बनाना होगा जिसमें हम बेहोश करने वाली दवाई बना सकते हैं, जिसको जिसको हम नार्कोटिक्स कहते हैं, ठीक है। नार्कोटिक्स बनाने पड़ेंगे हमको और नार्कोटिक्स का यूज़ करके हम बहुत सारे एनिमल्स को टेम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, और यहाँ पे एक बड़ा सा कार्निवोर एनिमल था, ठीक है। वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो कार्निवोर ही था, ठीक है। मछली थी शायद वो किसी तरह की। अबे तू क्यों आ रहा है मेरे पीछे भाई, अबे ये क्यों आ रहा है यार मेरे पीछे, कहीं मर वर गया तो ये, ठीक है। ये वाला पैरासोर हमने लास्ट टाइम टेम किया था, मैं दिखाना भूल गया। तो ये काफ़ी ठीक ठाक कलर है इसका, ब्राउन ब्राउन ग्रीन नहीं डार्क रेड है शायद इसका कलर, नहीं ब्राउन ही है शायद, जो भी है। तो ये वाला हमने पैरासोर पकड़ा था, इसकी स्पीड जो है ना बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम लेवल का है। इसका लेवल देखो तुम लोग, इसका लेवल देखो, इसका लेवल है 27 ओनली और अपग्रेड करने के बाद 28 हो गया। और ये टेरानोडॉन है, इसको हमें पकड़ना है, ठीक है। ये वाला जो पक्षी तुमको दिख रहा है ना, ये सब ये टेरानोडॉन है, ठीक है। तो इसको हम पकड़ेंगे, लेकिन क्योंकि हमने डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाई है तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डिफ़िकल्टी वाले आएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक सही सा मतलब ये पैरासोर भी पकड़ा जाए, क्योंकि ये वाला पैरासोर कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। ये 27 लेवल का बहुत एक तरह से टट्टी पैरासोर है, ठीक है। तो इसको हम कुछ कर देंगे। और लास्ट टाइम हमने डोडो भी टेम करी थी जिसको एक पिराना ने मार दिया था, ठीक है। तो पिराना से हमें बच के रहना है, क्योंकि पिराना जो है छोटी नदियों में रहती हैं और बहुत ख़तरनाक होती हैं, ग्रुप में रहती हैं और हम पे अटैक कर सकती है और इवन हमें किल भी कर सकती है। और उसने हमको मार ही दिया था पिछले एपिसोड में, अगर तुम देखोगे तो उसने हमें मार दिया था। तो ठीक है, काम करते हैं अपना। और एक वक्त आएगा इसको भी पकड़ेंगे हम, ये भी काफ़ी काम का डाइनो लगता है मेरे को, ठीक है। तो हमको बनाना है नार्कोटिक्स पहले, और नार्कोटिक्स के लिए हमको चाहिए मोटार एंड पिस्टल। और मोटार और पिस्टल मैंने अनलॉक कर रखा है पहले से ही। मुझे स्टोन चाहिए थोड़े से, जो कि मैं यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। तो स्टोन मेरे पास 65 चाहिए मेरे को, ठीक है। स्टोन 65 चाहिए हमको, तो अपने पास नहीं है अभी इतने, ये सब रख देते हैं। और यहाँ खाना थोड़ा पका लेते हैं, खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चल के हम थोड़े से पत्थर ले आते हैं। ये वाला पैरासोर मैं देखता हूँ कितने लेवल का है, अगर ये अच्छे लेवल का हुआ तो मैं इसको टेम कर लूँगा। मतलब हमको चाहिए कम से कम 100+ लेवल के डाइनो, ठीक है। उससे कम के हम टेम ही नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कम का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके ये मुझे दिख रहा है लेवल 8, भाग जाए यहाँ से, भाग भाग यहाँ से, भाग
छोड़ दे भाई, उसका पीछा मत करियो, ये पीछा करके उसको मारने लग जाता है पता नहीं क्यों। पिछली बार मुझे लेवल 30 का शायद मिला था, उसको मार दिया था इसने। तो ठीक है, इसको इसको मैं कैरियर के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी, लेकिन इससे भी बढ़िया डायनासोर पकड़ेंगे, क्योंकि पैरासोर जो है ये देखो सबसे बढ़िया काम करते हैं कि ये एनिमी का पता लगा देते हैं, ठीक है कहाँ पे एनिमी है, डिटेक्टेड एन एनिमी, तो इसने देखो एनिमी कहीं डिटेक्ट किया। ओके, यहाँ पे मछली कोई पानी में होगी, वो उसने डिटेक्ट कर लिया, तो हर चीज़ ये मतलब ख़तरनाक जो होगी इसके आसपास वो डिटेक्ट कर लेगी। तो यहाँ से स्टोन ले लेते हैं, अपने पास शायद 40 स्टोन है, तो और थोड़े मोटे और स्टोन चाहिए होंगे हमको। ठीक है, तो इधर से भी चल के ले लेते हैं थोड़े, और हम पैरासोर में ऐसे रख सकते हैं। और ये देखो मैंने क्या किया है, हमें स्पॉइल्ड मीट चाहिए होता है उसके नारकोटिक्स के लिए, ठीक है। तो हम ये ट्रिक्स लगाते हैं थोड़ी सी, कि इसको स्प्लिट कर देते हैं ऑल मीट को, तो इससे क्या होता है कि मतलब जल्दी सड़ जाते हैं मीट, तो सड़ा हुआ मीट चाहिए होता है हमको। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है, ओ मछली आ रखी है यहाँ पे, कोइल कैंथ। ओके, एक मछली है यहाँ पे, चार मछली इसमें से हमको मिली, ठीक है। ओह शिट, मेरा एक्स एक्स टूट गया मेरा। ओके, मैं रिपेयर कर सकता हूँ इसको, कोई बात नहीं है। इसको रिपेयर करने के लिए चाहिए हमें वुड और थैच चाहिए कुछ, तो इधर मिल जाएगा अपने को, यहीं पे पड़ा हुआ है। तो सब चीज़ें बहुत आसान होती है इसमें जुटाना, पर थोड़ा सा आगे चल के कठिन हो जाएगा हमारे लिए, जब हमें लोहे के इक्विपमेंट बनाने पड़ेंगे। तो थोड़ा ये अगर तुमने माइनक्राफ्ट खेला होगा तो उसकी तरह है, लेकिन इसमें डाइनो भी हैं। तो देख लेते हैं कि क्या चाहिए हमको क्राफ्ट करने के लिए। एक मोटर पिस्टल, तो हमको हाइट चाहिए 15। ओके, इसके पास 15 हाइट है क्या? ओके, 21 हाइट है इसके पास, तो हम आराम से बना सकते हैं एक मोटर पिस्टल, ठीक है। तो हमारा मोटर पिस्टल बन चुका है, और मुझे घर बनाना होगा अच्छा सा। ओके, तो मोटर पिस्टल बन चुका है अपना, और हम थोड़ा एक लेवल अप हो चुके हैं, तो इसको रख लेते हैं यहाँ पे प्लेस। ओके, कांट प्लेस मोटार एंड पेस्टल, रिक्वायर्स प्लेसमेंट ऑफ। ओके, फ्लोर चाहिए हमको एक। ओके, फ्लोर मेरे पास एक पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये वाला चाहिए हमको, थैच का फ्लोर है, इसको अपग्रेड करेंगे लकड़ी के फ्लोर में, मतलब इसको चेंज कर लेंगे बाद में, अभी के लिए इसी को लगा लेते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर बेस बनाएंगे, यहाँ पे नहीं बनाऊँगा मैं क्योंकि ये बेकार जगह है, कहीं अच्छी जगह ढूंढ के मस्त सी जगह वहाँ बनाएंगे, प्रॉपर बेस बनाएंगे, किला बना दूंगा मैं अपना एक पूरा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको लगा देते हैं, और ये हमारा हो गया मोटार एंड पिस्टल। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। ओके, ये फोल्डर व्यू आ रहा है, बंद कर सकते हैं यहाँ से फोल्डर व्यू। ओके, तो हम यहाँ पे नारकोटिक्स बना सकते हैं, लेकिन हमने शायद सीखा नहीं है नारकोटिक्स बनाना अभी। तो अपने पास 20 इनग्राम पॉइंट है, और यहाँ पे नारकोटिक्स है, तो इसको सीख लेते हैं हम, और भी देख लेते हैं क्या क्या हम बना सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि हमें सीमेंटिंग पेस्ट भी चाहिए होता है कभी ना कभी, और एक चीज़ चाहिए होती है, एक और मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि यहाँ पे नारकोटिक्स एरो होंगी और एक क्रॉसबो होगी। हाँ, क्रॉसबो शायद अभी नहीं है, ठीक है, क्रॉसबो नहीं, क्रॉसबो अभी नहीं है, लेकिन शायद बाद में आएगी, तो हमें वहाँ तक पहुँचना है, पता नहीं कहाँ पे क्रॉसबो है। ओके, क्रॉसबो डाल के सर्च कर सकता हूँ क्रॉस। ओके, यहाँ पे 25 लेवल पे क्रॉसबो है अपने पास, ठीक है, मुझे 25 लेवल जाना पड़ेगा। और एक और चीज़ बोला था उसने, ट्रांक ट्रांक एरो। ओके, ट्रांक एरो हमारे पास 21 लेवल पे आएगी, ठीक है, तो हमें अपना लेवल अप करना होगा जल्दी जल्दी, तो उसके लिए मेरे पास आइडिया है, वो मैं करूँगा अपना बेस बना के, उसको हम अगले एपिसोड में करेंगे, इसमें नहीं, अभी के लिए टेम कर लेते हैं, और अपना लेवल अप हो गया है, इसको देख लेते हैं। तो हम अपना मिली डैमेज अभी अपग्रेड कर देते हैं आराम से, और ये देखो हमारे पास कितने सारे स्पॉइल मीट आ गए। ओके, इसको भी मैं स्प्लिट कर देता हूँ ऑल, ठीक है, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा फालतू में और हमको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। अपने पास 42 स्पॉइल्ड मीट हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं नारकोटिक्स बनाने में, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे भी कुछ मीट पड़ा हुआ है फालतू का, इसको भी यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो नारकोटिक के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है, एक होती है नार्को बेरीज, ये ब्लैक वाली, और ये स्पॉइल्ड मीट, ठीक है। तो कुछ नार्को बेरीज हम जुटा लेते हैं। अबे ये क्या हुआ, अरे ठीक है,
तो इसमें चल के नार्को बेरीज कुछ जुटा लेते हैं हम। ओके, तो हमने बहुत सारी चीज़ जुटा ली है, तुम लोग देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं अब चल भी नहीं पा रहा। नहीं चल रहा है मेरा डायनो, चल रहा है, बहुत सारी चीज़ उठा लेता है यार ये, काफ़ी अच्छा है मतलब मुझे। ओके, वहाँ एक ड्रॉप गिरा हुआ है, ब्लू कलर का ड्रॉप है शायद वो, लेकिन शायद हम उसको खोल नहीं सकते यार। पिछली बार वहाँ पर एक वायलेट कलर का गिरा हुआ था पर उसको खोल नहीं पाए थे हम लोग। ओके, मुझे ये चाहिए, नार्को बेरीज चाहिए मेरे पास, देखते हैं कितनी है। ओके, तो नार्को बेरीज ने ज़्यादा कलेक्ट नहीं करी है, फिर भी अपने पास 300 है करीब, तो ठीक है इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो हम इसमें नार्को बेरीज डाल देते हैं और ये डाल देते हैं अपना सड़ा हुआ मीट, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मैंने कुछ नार्कोटिक्स बना लिए हैं, देखो कितने सारे बना लिए मैंने, 75 बना लिए हैं, और भी बन रहे हैं यहाँ पे, मैंने और भी यहाँ पे ये नार्को बेरी ले कर डाल दिए हैं बहुत सारे। और इससे पता है मुझे बहुत सारा लेवल अप मिला है, ठीक है, मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरा बढ़ा है। और अभी मैंने कुछ देर पहले 2 से 3 एक्सपीरियंस अपना पॉइंट जो है स्पेंड किया था, और ये चौथा है, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर 4 मुझे पॉइंट मिल गए एक्सपीरियंस वाले। तो मैं इसको थोड़ा मूवमेंट स्पीड में करने वाला हूँ क्योंकि डायनो से बच के भागना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो अब अपने पास क्या क्या खुल गया है देख लेते हैं एक बार चल के, कुछ काम का है कि नहीं। ओके, गन पाउडर, हाइड पैंट्स, हाइड शर्ट और हाइड ग्लव्स। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा है, लार्ज स्टोरेज बॉक्स, ठीक है, तो ये काम आएगा मतलब बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए हमें। और स्टोन इरीगेशन पाइप, ओके इरीगेशन भी कर सकते हैं क्या इसमें, वाह सही है। तो रैप्टर सैडल और के डायनासोर गेट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, फ़िशिंग रॉड भी है, शायद फ़िशिंग भी कर सकते हैं, प्रिजर्विंग बीन सॉरी। तो हमें क्या करना है कि हमें लेवल 21 पे पहुंचना है, और ये हमें ट्रांक एरो खोलना है, ठीक है। और एक और चीज़ हमें खोलनी है और वो है क्रॉसबो, क्रॉसबो हमें मिल रही थी लेवल 25 पे, लेवल 25 पे हमको जाना है ऐसे ही अपग्रेड कर करके अपने आप को, ठीक है। तो मैंने एक आइडिया सोचा है कि हम क्या करेंगे कि अपना ये बेस जो है अपग्रेड कर देंगे। ओके, एक और लेवल आ गया अपने पास, हाँ, तो ये भी जाएगा मूवमेंट स्पीड में, ठीक है। तो लेवल अप, मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपना लकड़ी का बेस बनाएंगे क्योंकि ये थैच का बेस जो है ना बहुत कमज़ोर है इसका, देखो 2400 ही है इसका थैच फ्लोर का मतलब हेल्थ, इसको कोई भी तोड़ देगा आराम से, ठीक है। कोई एक डायनासोर अगर आ गया ख़तरनाक सा यहाँ पे तो आराम से तोड़ देगा, लेकिन ये टेम्प्रोरी है, यहाँ पे हम रहेंगे नहीं, यहाँ से हम जाने वाले हैं बहुत जल्दी। ओ भाई वो कितना प्यारा लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है भाई साहब, उसके पीछे देखो भाई यार मून, उसके पीछे मून जो है वो कितना प्यारा लग रहा है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि कितना हो चुका है अपने पास, तो अभी अभी भी बन रहा है, अभी 30 और बनेगा, ठीक है। तो अपने पास ओके 100 पहले ही हो चुका है, ठीक है, 30 और बनेगा, यानी कि 30 + 20 मान लो तो 50 और बन, यानी हमारे पास 150 हो जाएगा, तो इट इज़ इनफ। ओके, इट इज़ इनफ, मोर देन इनफ, ठीक है। तो इतना इतने से तो हो जाएगा हमारा, बहुत सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ सुबह दिन होने के बाद, और एक और लेवल हमारा बढ़ गया है क्योंकि दिन में ही चल के हम पकड़ने वाले हैं, क्योंकि रात में कुछ दिखेगा नहीं तुम लोगों को भी, तो मज़ा नहीं आएगा। ओके दोस्तों, तो हो चुका है दिन और मैंने सारी तैयारी कर ली है, मैंने अपने मतलब टेमिंग का जो सामान है वो पैरासोर में डाल दिया है। तो देखो हमने क्या लिया है, हमने 2 वुडन क्लब लिए हैं जो कि हम इक्विप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और हमने कुछ बोलाज लिए हैं जो कि पहले से मेरे पास थे, कुछ स्पीयर्स हमने बना लिए हैं, और कुछ बहुत सारे नारकोटिक्स लिए हैं जो कि हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो बस इतने से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पैरासोर को लेवल अप कर देते हैं, तो मैं करने वाला हूँ इसका मूवमेंट स्पीड काफ़ी कम है तो मूवमेंट स्पीड कर देते हैं। ओके, तो मैंने कुछ टेमिंग के लिए ये भी फूड भी ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो बर्ड होती है वो कार्निवोरस होती है, सॉरी हर्बीवोरस होती है। तो मैंने टेमिंग के लिए कुछ फूड भी ले लिया है, ठीक है, बेरीज ले लिए हैं, तो वो जो बर्ड होती है वो हर्बीवोरस होती है तो उसको फ्रूट्स खिलाएंगे हम, या फिर कार्निवोरस होती है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास मीट भी नहीं होगा शायद, नहीं मेरे पास मीट भी नहीं है, मैंने सब मीट स्पॉइल्ड कर दिया। तो ठीक है, देखते हैं क्या होती है वो, पहले पकड़ते हैं उसको फिर इसके बाद।
लेकिन मुझे पहले डिसेंट लेवल की एक बर्ड चाहिए होगी, क्योंकि अगर बेकार लेवल की हुई तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो मुझे कम से कम 100 लेवल प्लस की चाहिए कोई बर्ड। ओके, यहाँ पे एक बर्ड दिख रही है मेरे को, इसको देख लेते हैं कितने लेवल की है ये। ओके, ये है अपनी, अबे 8 लेवल की बर्ड है भाई, मैं 8 लेवल के बर्ड में क्या करूँगा। ओके, ये वाली देख लेते हैं कि ये रंग बिरंगी सी है थोड़ी, नहीं रंग बिरंगी नहीं है। अबे यार ये 16 लेवल की बर्ड है, पता नहीं यार, वहाँ तो बोला था कि मतलब ऐसे मतलब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा लेने से 100 100 लेवल की बर्ड मिलती हैं। ओके, मेरा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ानी है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, तो लेवल तो हम डिफ़िकल्टी लेवल तो हमारा फुल पे है, पता नहीं फिर क्यों हो रहा है ये ऐसा। ओके, तो अब हम वापस आ चुके हैं गेम में, अब देखते हैं कि क्या लेवल बढ़ा है इन बर्ड्स का। ओके, एक वहाँ पे नीचे उतर रही है, और यहाँ पे एक वो डायनासोर था, पता नहीं उसकी जो पीठ इतनी लंबी सी थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ओके, ये भी ज़्यादा लेवल की नहीं है, 23 लेवल की थी शायद, फिर से उतर गई यहाँ पे। ओके, ओए देखो मुझे बर्ड तो नहीं मिली, पर ये देखो ये क्या चीज़ है, ये बंदर है छोटा सा। ओके, इसको कैसे पकड़ूँ, इसको कैसे पकड़ूँ। ओके, ये छोटा सा बंदर है यार, कितना क्यूट है और इसकी इसका इसका मुंह देखो कैसा है। ओ, मैं इसको मारना नहीं चाहता यार, इसको इसको टेम कैसे करूँ यार मैं भाई, भाग मत प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं इसको टेम कैसे करूँ। ओके भाई, ये भागने लग गया यार। अरे यार ये मुझे चाहिए भाई, ये मुझे चाहिए, छोटा सा बंदर है क्यूट सा। ओके, इसको इसको मैं खड़ा करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से स्टॉप कर सकता हूँ, ठीक है, स्टॉप ऑल। ओके, तो ये मैं कैसे पकड़ूँ इसको। ओके, अगर मैं इसको इससे बैट से मारूँ तो ये बेहोश हो जाएगा। ओके, बेहोश हो, ओके ओके, ये बेहोश हो गया, ये बेहोश हो गया, ये बेहोश हो गया, ठीक है। अरे अनकॉन्शियस, ओके, शायद इसको हम ऐसे नहीं बेहोश कर सकते। इसकी इन्वेंट्री क्यों नहीं खुल रही, नहीं शायद हम इसको नहीं कर सकते ऐसे। अरे शिट मैन, मैंने इसको फालतू में मार दिया, फीमेल अनकॉन्शियस। ओके ओके, मैं बाद में आके देखूंगा इसको, पता नहीं है, पता नहीं कब तक बेहोश रहेगा। ओके, वो जो रेड वाला तुमको बिल्डिंग दिख रही थी, वो टावर जो दिख रहा था, वो काफ़ी दूर लग रहा है मेरे को, मतलब काफ़ी पास है वैसे, अगर उड़ के जाया जाए तो मतलब जा सकते हैं उड़ के पॉसिबल है, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं है पैर से, क्योंकि बड़ा सा समुंदर है यहाँ पे, और समुंदर के अंदर जाना मेरे बस की बात नहीं है, मतलब बहुत बकवास लगता है समुंदर के अंदर जाना। ठीक है, तो इधर चल के देखते हैं यार, यहाँ पे भी कोई बर्ड नहीं मिली मेरे को, और वहाँ पे तो सब बहुत कम कम लेवल की बर्ड है। ओके, एक यहाँ पे उतर रही है, इसको चल के देखते हैं। ओके, एक यहाँ पे देखो चिरांद है, तेरी ऐसी की तैसी मारेगा, उनको मारेगा, इनको इनसे लड़ते हैं, देखते हैं ये पैरासोर हमारे मार पाता है कि नहीं इनको। ओके, मार दिया, लेवल 2। अच्छी, ओके, मुझे अपरेंटली इसको देखना है कि ये कितने लेवल की है। अरे क्या हो गया भाई, ग्लिच क्यों खा रही है। ओके, लेवल 4 की है यार, यार इतने शिट डायनासोर क्यों हुए। ज़्यादा डिफ़िकल्टी बढ़ाने के बाद 100 लेवल के मिलेंगे यहाँ पे, तो इतने गंदे गंदे डायनासोर हैं। ओके, वो छोटा सा मंकी देखता हूँ, वो भी मिल जाए तो बहुत है, मतलब वो उड़ नहीं सकता पर क्यूट है। क्या चाहिए भाई तेरे को, यस क्या चाहिए इसको, ये मीट खाता है क्या, मैं तेरे लिए मीट लाऊं क्या, क्या खाएगा भाई। ओके, कुछ आया था, कुछ आया था, उधर 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 मत जा, उधर मत जा, उधर मत जा, उधर मत जा, उधर वो खतरनाक है। ओ, यहाँ एक बत्तख भी है। ओ, कुछ आया, कुछ आया, कुछ आया, कुछ आया इसके पास। ओके, अब आ रहा है, देखो बैठ के आ रहा है इसके पास। ई, ओके नाइस,
नाइस नाइस नाइस, मुझे ई से इसको खिलाते रहना पड़ेगा। ओके, टेमिंग टेमिंग नहीं देख पा रहा मैं इसका कितना है। ओके, ये भाग क्यों रहा है? अबे ये तो भाग गया। ओके, मुझे इससे थोड़ा दूर रहना है और टाइम टू टाइम जाके खिलाना है इसको। ओके, बस ये मारा ना जाए। ओके, तो क्या मैं इसको जाके और खिला सकता हूँ? यस। ओके, फीमेल लेवल 8। ओए, उधर मत जा, उधर मत जा, उधर मत जा, उधर जा, उधर भाग। अबे भाई, ये मरेगा, ये पानी में जा रहा है, ये मरेगा। ओके, लास्ट इसको एक बार और खिलाते हैं हम। ये किससे किससे, ई से खाएगा? नहीं, शायद नहीं खा रहा ये। फिर भाग के, ये क्या चीज़ है? ओके, ये था ट्रू ट्रू डॉन, यानी क्या होता है? ठीक है, अब खाएगी क्या ये? फीमेल है। अरे, फिर भाग गई। ओके, तो मैं उस छोटे वाले बंदर को ढूंढने गया था और वो कहीं मिला नहीं। मुझे लग रहा है कि वो भाग गया यहाँ से, या डिस्पॉन हो गया। मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है इस गेम में। ओके, यहाँ पे एक बर्ड है, पर बहुत ऊपर है। एक भी बर्ड अभी तक नहीं हमें मिली है, पता नहीं क्या होगा। ओके, 34 लेवल का है, पर कोई खास नहीं है। ओके, वहाँ पे भी बहुत सारी मेरे को बर्ड दिख रही हैं। हम उधर जा सकते हैं, उस साइड, पर पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है उधर जाने में। लेकिन छोड़ो, चलते हैं यार, डर के आगे जीत है। लेट्स गो, चलो उधर चल के देखते हैं कि मतलब क्या हमें मिलता है वहाँ पे, क्या पता कुछ अच्छा ही मिल जाए। ठीक है, ये कितने लेवल की है? ओके, ये 15 लेवल की है। शी इज ऑल्सो शिट। और ये लेवल 6, यार क्या हो क्या रहा है ये? यहाँ पे लैंड कर रही है, इसको चेक करते हैं। लैंड कर जाइए बस। नाइस। ओके, ये है लेवल 7। यार लेवल 7, लेवल 4, लेवल 3, यही सब मिल रहा है मेरे को। ये सब नहीं चाहिए मेरे को। ओ, देखो वहां पे है वो डाइनो। ओ, ये क्या है? शिट शिट। ओ, मगरमच्छ 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 मगरमच्छ, भागो भाई साहब। अबे तो पानी में से निकल आया। ओ, ये तो आ रहा है, पीछे ही आ रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है ये। देखा तुम भाई साहब? अबे उधर नहीं जाना भाई, उधर नहीं जाना। अबे तो मेरे पीछे आ रहा है भाई, पीछा पीछा कर रहा है ये मेरा। शिट 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 शिट, भागो 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 यहाँ से। अगर उसके हाथ में आ जाऊंगा ना भाई, कच्चा चबा जाएगा। भाई साहब, अच्छा हुआ दिख गया मेरे, मतलब उसके जस्ट बगल में था मैं। अगर उसके पास जाता तो भाई मैं खत्म था। ओके, ये बड़ा सा डायनासोर दिखे यहाँ पे, खतरनाक है ये। मैं जाना नहीं चाहूँगा उसके बगल में जानने के लिए। ठीक है यार, इधर भी कुछ खास नहीं है, वापस चलते हैं हम। ठीक है, तो वहाँ पे एक डायनासोर है जो कि मगरमच्छ है। ठीक है, मगरमच्छ है वो। तो मगरमच्छ इस मतलब डायनासोर के ज़माने में भी थे क्या? मतलब मैंने सुना है कि मगरमच्छ बहुत पुराने हैं, पर इतना पुराना ये मेरे को पता नहीं था। ओके, तो हम अभी तक फेल हुए हैं फिर से कोई अच्छा सा टीम ढूंढने में। ओके, तो हमें मिल चुका है अपना डायनासोर, मतलब ये 100 लेवल का तो नहीं है, ठीक है,
लेकिन ये है हमारा 72 लेवल का। ओके, तो इसको पकड़ते हैं। और बहुत देर से मैं इसको ढूंढ रहा था भाई, ये देख रहे हो, ये 72 लेवल का है। तो ये इट विल वर्क। ओके, इट विल वर्क, इट विल वर्क, इट विल डू द जॉब। तो मुझे 100 लेवल का जब मिलेगा तो उसको भी पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए यही काफ़ी है अपने लिए। तो इसको मारना शुरू करते हैं और इसको सुला देते हैं। ओके, सो जा, सो जा, बियोसो बियोसो। अरे ओ शिट 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 शिट, ये उड़ गया, ये उड़ गया, वापस उड़ गया। अबे यार नहीं, मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे जाने नहीं दे सकता, बहुत देर बाद मिला है भाई ये। अच्छा ये क्या है, क्या ये वाला है क्या? एक बार देखता हूँ मैं इसको। नहीं यार, ये तो लेवल 8 का है। शायद वो उड़ के भाग गया है। हाँ बैड लक अपना, बहुत बैड लक। एक भाई 72 लेवल का मिला था, वो भी उड़ के चला गया, पता नहीं कहाँ भाग गया। भाई साहब बहुत देर बाद मिला था, लग रहा है ये एपिसोड भी बेकार हो जाएगा। एक मेरे को दिखा यहाँ पे, और इसका लेवल मैं पता भी नहीं कर सकता जब तक ये उतरेगा नहीं। और ये पहुँच गया है आसमान की ऊंचाइयों पे। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। ओके, तो हमें अपना 72 लेवल वाला टेरानोडॉन मिल गया, जो कि यही वाला है। ओके, कहाँ भाग गया था भाई तू, कहाँ भाग गया था? इसको इसको मारना शुरू करते हैं जल्दी से। ओके, एक ऐसा करते हैं, एक और इसके पैर में डाल देते हैं एक और। ओ ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ओके, मैंने 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 इसके गले में भी डाल दिया। ओके, ये है भैंस की, भैंस की। मेरा मेरा टेम चुराएगा तू, इसको मारता हूँ। ओ भाई साहब, ओ मेरा मेरा ये टूट गया, मेरा ये टूट गया, बैट टूट गया मेरा। इसको मारते हैं भैंस की, ज़्यादा चालू बन रहा है ये। ओके, ये गया, ये गया, ये गया, ये अनकॉन्शियस हो गया भाई साहब। वो चला गया मेरा, इसने चिरांद कहीं का, इसने मेरा टेराडॉन भगा दिया। कहाँ से आते हैं भाई ये सब, बीच बीच में आ जाते हैं। ओके, मैं इसको टेम कर सकता हूँ। ये काफ़ी प्यारा लग रहा है यार। और ओके, रैप्टर है ये, एक फीमेल रैप्टर। ओके चलो, इसी को टेम कर लेते हैं। मुझे पता नहीं है रैप्टर क्या है, मुझे देखना पड़ेगा। ओके, तो ये कोई ज़्यादा लेवल का नहीं है, 12 लेवल का है, पर पता नहीं। हाँ, ओ भाई साहब, इसके इसके नाखून देखो भाई साहब। ओके, तो ये जो रैप्टर है, ये एक कार्निवोरस होता है और काफ़ी अच्छा है। ओके, मुझे एक चिरान दिख गया यहाँ पे, मेरी भैंस की। हाँ मत जियो मेरे आसपास भी। ओके, इसने थूक दिया मेरे ऊपर। मेरा पैरासोर इससे लड़ रहा है। अरे भैंस की, पूरी फैमिली लेके आते हैं ये लोग, तेरी भैंस की। मुझे मारेगा तू? ओके, मैंने इसको मार दिया है अपरेंटली। और अपना यहाँ पे रैप्टर हो रहा है, तो मैं रैप्टर के बारे में बता रहा था, रैप्टर के थोड़ा सा पढ़ा मैंने। तो ये काफ़ी मतलब ठीक ठाक होता है, ठीक है। और मैं इसका शायद शेडल भी बना सकता हूँ। ओ भाई साहब, ये इसको मार रहा है, तो अभी तक मरा भी नहीं है, ठीक है। ये यार बहुत परेशान करते हैं मेरे को, कहीं भी आ जाते हैं मुंह उठा के। ओके, तो मैं रैप्टर, ये जो रैप्टर होता है काफ़ी अच्छा है, मतलब स्टार्टिंग के लिए एक कार्निवोरा सही है। और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मैं इसकी स्पीड देख लेता हूँ। वैसे 12 लेवल का तो कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा, पर ठीक है, 100 स्पीड है इसकी, ठीक है यार। ओके, कोई ख़ास नहीं है मतलब इसका इसका ये स्टैट्स कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको टेम कर लेते हैं, ये काम देगा हमारे लिए। हम इस पर घूम सकते हैं और काफ़ी मतलब डरावनी चीज़ों से बच सकते हैं इस पर बैठ के। ओके, ये कितना टेम बचा इसका? ओके, बस ये टेम हो ही गया। इसको और थोड़ा सा खाने को दे देते हैं, मीट खाता है ये। ओके अनकॉन्शियस, ओके 97। ओके, ये इसका इसका टेमिंग इफेक्टिवनेस, ओ भाई 53.8% +3 लेवल,
काफ़ी बेकार है। ओके, अपना करेक्टर जो है एक लेवल बढ़ा सकते हैं इसका। तो ये हम मिली डैमेज में दे देते हैं इसको। ओके, देख लेते हैं। ओके, आई हैव अ रैप्टर। ओके नाइस। तो इसका नाम क्या दें? ओके, मैं सब्सक्राइबर वाला नाम दूंगा कोई। और हाँ, मैंने पैरासोर को भी अपने सब्सक्राइबर का नाम नहीं दिया अभी तक, तो वो मैं सब्सक्राइबर का जब देखूंगा नाम तो उसके हिसाब से दे दूंगा। ओके, तो हमने बहुत सारी चीज़ ओके ट्रांक एरो हम बना सकते हैं अब। ठीक है, ट्रांक एरो बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं हम? ट्रिप वायर अलार्म, स्मिदी रिफाइनिंग। ओ नाइस 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 नाइस। ये क्या हो गया? एक मिनट, ये अपने पैरासोर को क्यों मार रहा है? ओ भाई, ये अपने पैरासोर को मार रहा है क्या? क्या हो गया भाई इसको? ओके, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। स्टॉप ऑल। ये अपने पैरासोर को मार रहा है क्या? इसकी हेल्थ जा रही है? नहीं, ये कर क्या रहा है? ये करना क्या चाहता है भाई तू? उछल कूद क्या मचा रहा है? ओके, न्यूट्रल टारगेट, विसल टारगेट। ओके, न्यूट्रल करते हैं। न्यूट्रल से क्या होता है? पैसिव। ओके, पैसिव से ये रुक जाते हैं। ओके, मैं न्यूट्रल करता हूँ इसको। अबे, फिर स्टार्ट हो गया ये। ओके, इसको पैसिव कर देते हैं। पता नहीं ये इतना उछल कूद क्यों मचा रहा है। पीछे आ। ओके, पीछे आ रहा है ये मेरे। हाँ, पीछे आ रहा है। ओके, तो इसको नदी को पार कर लेते हैं एक बार। और इसमें कुछ था, इसमें कुछ डरावना सा था। ये क्या चीज़ है? ओके, वो चिरान मछली। ओके, रैप्टर का सैडल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, रैप्टर। ओके, रैप्टर का सैडल हम खोल सकते हैं। लेवल 9 हमें इनग्राम पॉइंट लगेंगे। हाइड चाहिए, फाइबर चाहिए और वुड चाहिए। मुझे नहीं पता पर ये मेरा रैप्टर मेरे पैरासोर पे क्यों अटैक किया जा रहा है कॉन्स्टेंटली। पर इससे कुछ हो नहीं रहा। मतलब ये मेरे रैप्टर, मतलब ये मेरे पैरासोर को घायल नहीं कर पाएगा। पर पता नहीं यार क्यों ये अटैक किया जा रहा है कब से, और शोर मचा रखा है इसने। ओके, इसको मैं दूर कर देता हूँ अपने रैप्टर से। और देखो ये इसका पीछा भी कर रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। सर, स्टॉप 1। ये स्टॉप भी नहीं हो रहा यार, मेरा कमांड नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों। स्टॉप ऑल। ओके, अब मैं इसको पैसिव करता हूँ तब जाके ये स्टॉप होता है। ठीक है, अब मैं इसको ओके फॉलो स्टॉप ऑल। ठीक है, अगर मैं अब इसको करूँ पैसिव से न्यूट्रल में, देखो ये पता नहीं क्यों मेरे पैरासोर पे हमला कर रहा है। पागल हो गया ये। ओके, इसको मारते हैं, देखते हैं ये मारता है कि नहीं। ओके 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 ओके, ये मार रहा है इसको। ओके, मैंने ये बड़ी वाली छिपकली को बोला इसको मरवाने के लिए। ओके, इसको मार दिया इसने। ओए नहीं, उससे क्यों लड़ गया भाई? अबे उससे क्यों लड़ गया? अबे ये भाई बेवकूफ़ है एक नंबर का। भाई साहब ये बेवकूफ़ है यार एक नंबर का, ये मेरे को ही मरवाएगा। ओके शिट, ये मेरे पीछे आ रहा है, मेरे पीछे। अबे ले, उसको मार दिया क्या? अबे ले 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 ले, ये भाई साहब। ओके, ओ भाई साहब, ये तो खुदा खुदा के मार रहा है भाई मेरे को। ओ नहीं, मेरे को नहीं, मैं मर जाऊंगा। ओके, इसने मार दिया उसको, गेंडे को। ओ भाई साहब, बहुत तगड़ा यार ये तो। पर ये मेरा पैरासोर को क्यों मारने की कोशिश कर रहा है बार बार, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। बहुत तगड़ा है वैसे, बहुत तगड़ा है। ओके, इसका भाई मरने ही वाला था। ये हेल्थ देखो इसकी 26 भाई, ये एक पागल। ओ ये देखो उसका बॉडी देखो भाई साहब, खून खून हो गई है पूरी।
ये पागल है एकदम, किसी को भी मारना शुरू कर देता है। ओके यहाँ एक चिरांद है और वहाँ एक ड्रॉप है, मैं ड्रॉप लेने जा रहा था पर ये चिरांद दिख गया मेरे को। इधर ही हो। ओके आजा, लग गया इस बार ही गया। यस ओके, तो मैं इस ड्रॉप में देख लेता हूँ कि क्या है, कुछ खास अच्छा है कि नहीं। ओके इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ओके बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। यस लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली भाई साहब। ओके एक लेवल मिला हमको, और क्या क्या मिला हमको, ये एक हमें सिरिंज बैग मिला। ओके स्पाई ग्लास, स्पाई ग्लास से क्या करते हैं देखते हैं। और एरोज मिले हमको कुछ, और एक ये क्या है, पैरासूट, पैरासूट भी है इसमें, वाओ। ठीक है इससे क्या करते हैं हम, स्पाई ग्लास से देख लेते हैं एक बार। ओके ये स्पाई ग्लास है अपना। ओके इसे दूर देख सकते हैं शायद हम। ओके एक वहाँ पे वो है, ये कुछ फ्लैश किया यहाँ पे। ओके यहाँ से लेवल भी दिखाता है। ओ नाइस नाइस वन भाई साहब, ये तो हम दूर से देख सकते हैं कि कौन सा जानवर कौन से कितने लेवल का है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ मिल गई हमको इसके लिए, रैप्टर सेडल के लिए। फाइबर चाहिए और वुड चाहिए। ओके फाइबर अपने पास कुछ है यहाँ पे, और फाइबर और वुड चाहिए होगा मेरे को। तो फाइबर इसमें थे क्या, नहीं इसमें नहीं है फाइबर, तेरे में है क्या फाइबर, नहीं इसमें भी नहीं है फाइबर। अरे देखते हैं कि आप हम बना सकते हैं क्या रैप्टर का सेडल, नहीं अभी और फाइबर चाहिए। ओके ठीक है, जो कि हम बना सकते हैं अब, और यहाँ पे कुछ क्राफ्ट कर सकते हैं, ट्रंक एरोस। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, मतलब मेरे को मिल गई बहुत बढ़िया है, और मैं चल नहीं पा रहा है, मैं इनकम्बर्ड हो गया हूँ। ओके मैंने रैप्टर का सैडल बना लिया है, और चल के रैप्टर को पहनाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मतलब काम करता है रैप्टर अपना। ओके मुझे यहाँ पहनाना होता है इसको। ओके लेट्स गो, इसमें सामान रख देते हैं अपना। ओके तो लेट्स राइड आवर रैप्टर। ओके ये क्या खुल गया, ठीक है। यस वी हैव अ रैप्टर। ओ भाई ये कितना तेज है ये कितना तेज है। ओके चल के देखते हैं ये क्या करता है। ओके राइट क्लिक से ही जंप करता है, ठीक है लेफ्ट क्लिक से ही अटैक करता है। और कुछ इसका स्पेशल अटैक है क्या, नहीं इसका कोई स्पेशल अटैक नहीं है शायद। ओके चल के कुछ मारते हैं इससे, क्योंकि ये कार्निवोर है तो कुछ मारने के लिए काम आएगा। ओके ये कछुए को मार सकते हैं क्या हम, कितने लेवल का ये, 16 लेवल का है शायद। यस वी कैन किल इट। ओके ओके मुझे हेल्थ देखती रहनी होगी, ऊपर हेल्थ आती है इसका। ओके इसका स्टेमिना ख़त्म हो गया, इसका स्टेमिना ख़त्म हो गया, तो कुछ स्टेमिना चल के इसका जुटाते हैं। ओके लेट्स गो। ओके वो कछुआ भी आ रहा है शायद इसका साथ देने के लिए, भैंस की। ओके ये बस मरने ही वाला है। ओके ये मर गया मर गया मर गया, मैं इसको हार्वेस्ट कर लेता हूँ। ओके इसको इसको बड़ा चुल मच रहा है, इसको चुल मच रहा है, ये भी मरेगा। ओके चलो इसको मारो, कितने लेवल का है ये, 12 लेवल का है, उससे भी कम का है। चलो चल के मारूंगा तेरे को तो मैं। मैंने आ गया, यस भाई ज़्यादा ज़्यादा तेज बन रहा था तू मेरे सामने, इस रैप्टर के सामने गया ना, तो तेरा नाश्ता करेंगे। चलो तो दोस्तों आज के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, हम इस वाले में फेल हुए हैं ट्रेडॉन पकड़ने में, ठीक है जो कि हमारा मिशन था।
लेकिन 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 कोई बात नहीं है, टेराडॉन की जगह हमने ये प्यारा सा रैप्टर पकड़ लिया, ठीक है। हाँ कुछ खास नहीं है पर फिर भी ठीक है, लेकिन अगले एपिसोड में मैं पक्का टेराडॉन पकड़ने वाला हूँ, ठीक है, और हाई लेवल का टेराडॉन पकड़ेंगे। और ये कितने लेवल का है? ओके 4 लेवल का है, भाग जाए यहाँ से। ओके तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो चैनल को, क्योंकि चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, और अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं ऐसी और वीडियो ला पाऊँगा तुम्हारे लिए, और इससे भी मतलब बेहतरीन मैं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ यार हेल्प मी टू गेट मोर व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स। और कोई सजेशन हो या फिर कुछ भी इस गेम से रिलेटेड तुम्हें बताना हो मेरे को तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।